रविवार 4 नवंबर को पटना की सड़कों पर राजद के कार्यकर्ता उतरे थे, राजद की युवा कार्यकर्ता उतरे थे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के राजभवन मार्च के लिए। इसी दौरान कुछ कहा सुनी पर पुलिस ने उन पे लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद ये मामला काफी बढ़ गया। तेजस्वी यादव ने इसमें आकर के डायरेक्ट नीतीश सरकार पर निशाना साधा और आज 5 नवंबर को एक बार फिर से राजद के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका पुतला दहन किया जा रहा है। आप सुनिए कि राजद के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जन मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बिहार में बढ़ते हुए अपराध के सवाल पर हम लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे राजभवन मार्च, और इस मार्च के तहत हम लोग राजभवन को ज्ञापन देने वाले थे। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत मुख्यमंत्री जी के इशारे पर जिस तरीके से युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लगता है सैकड़ों हमारे प्रदर्शनकारी पूर्ण रूप से घायल हो गए, अभी भी निजी नर्सिंग होम में इलाज करा रहे हैं और पुलिस वैन में गिरफ्तारी साथियों को गिरफ्तार करके भद्दी भद्दी गालियां उन्हें पीटने का काम किया, और उन्हीं सब सवालों को लेकर हम लोग आज विरोध मार्च करके पुतला जलाने का काम मुख्यमंत्री का किया कि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नीतीश कुमार जी, आप अपने ये जो तानाशाही रवैये पर से हटिए, नहीं तो बिहार का जनता, बिहार का नौजवान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और हमारा मांग है कि दोषी जो पुलिसकर्मी है, प्रदर्शनकारियों पर जो बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है, उन प्रदर्शनकारियों पर जो निर्दोष निहत्ते कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, उन जो पुलिसकर्मी उसमें दोषी हैं उन्हें दंडित करिए, और ऐसे जो हमारे साथी घायल हैं उनकी इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करें। इन्हीं सवालों के लिए हमारे जिला अध्यक्ष सतीश जी से भी। तो जाहिर है तेजस्वी यादव ने भी आज 5 नवंबर की सुबह सुबह कविता के अंदाज में नीतीश कुमार की कुर्सी उखाड़ फेंकने का दावा किया। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने भी गया में साफ साफ कहा कि अब तो पुलिस वर्सेस पुलिस हो रहा है, तो लाठीचार्ज तो आम बात हो गई है। और अब पटना की सड़कों पर राजद के कार्यकर्ता उतरे हैं, बवाल देखने को मिल रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है, नारेबाजी भी हो रही नीतीश सरकार के खिलाफ। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें।